किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किसान योद्धा में। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं गांव भरानपुर में और ये बबली जी का मकान है सामने, देखो भाइयों। और यहां पे हुक्का चल रहा है भाइयों, किसानों का ठाट हुक्का और खाट। तो भैया नाम क्या आपका? और आपका जी? वेदपाल जी। पिताजी का नाम जी? खड़क सिंह। अच्छा अच्छा। और भैया आपका नाम? सुनील। अच्छा अच्छा। और भैया आपका? मोहित डागर। अच्छा अच्छा। क्या कर रहे हो भैया, किसान हो क्या? किसान है। अच्छा, खेती बाड़ी कर रहे हो सारे? तो खेती मतलब कैसे कर रहे हैं, मतलब नई तकनीक द्वारा या सिंपल विधि द्वारा? सिंपल भी चल रही है या ट्रंच विधि द्वारा हुआ है बहुत सी? और सिंपल ही कर रहे जैसे कभी पिताजी करते आए हैं। ये देखो भाइयों, सारे अपने अभी जंगल से आए हैं। नाम क्या जी आपका? अच्छा, लटरू सिंह। और पिताजी का नाम? अच्छा, देखो भाई हुक्का चल रहा है। क्या कर रहे हो? खेती। अच्छा, खेती कैसे कर रहे हैं फिलहाल आप? अच्छा, मतलब सिंपल कर रहे हैं या ट्रंच विधि द्वारा? सिंपल ही कर रहे हैं अभी तो। सैंपल ही कर रहे हैं जी। ये देखो भाइयों, इनका है ये बैठक बना रखी है, उनसे मिलवाता हूँ। ये देखो भाइयों, तो चलते हैं। अरे देखो इनका ये मकान है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है किसान योद्धा चैनल में। नाम जानना चाहूँगा जी, आपका शुभ नाम? अच्छा अच्छा। और पिताजी का नाम? श्याम। अच्छा अच्छा। ये मकान आपने नक्शे से बनाया था या अंदाजे से? अंदाजे। अच्छा, थोड़ा चलिए मेरी गैल आ जाइए। ये देखो भाइयों, मेरी गैल में है। तो थोड़ा सा बताओ, जो खेती बाड़ी करते हो नई तकनीक द्वारा कर रहे हैं या सिंपल विधि द्वारा? सिंपल ही कर रहे हैं। ये देखो भाइयों, कितनी गायें हैं। तो ये गायें आप ली थी या कहीं से, मतलब घर की गायें हैं? अच्छा अच्छा। ये देखो भाई, आपकी गायें के बगैर दफड़े वगैरह नहीं पड़ रहे, मतलब? अच्छा अच्छा। तो ये देखो भाइयों, जिस किसी की गायें के दफड़ वगैरह पड़ रहे हो, तो मैंने वीडियो बनाई है अलग से, मेरा चैनल है उस पर देख लेना आप। ये देखो भाइयों, कितनी भैंस है ना। ये गाय वगैरह दूध दे रही थी? ये कौन सी नजर बोल रहा है जी से? इस वाले को कौन सी बोल रहा है नजर? थार पार्कर। देखो भाई, थार पार्कर है ये, और उधर देख लो अमेरिकन है। और ये देखो, ये भैंस कहाँ से ली थी जी आपने? अच्छा अच्छा, भैंसों के। ये देखो भाई, उनके पशुधन है। तो देखो भाइयों, मैं ऊपर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये जिन्ना जा रहा है ऊपर से। ये देखो भाइयों, चलिए थोड़ा सा ये देखो दिखाता हूँ, इन्होंने ऊपर से मकान कैसा बना रखा है। ये देखो भाइयों, तो ये ऐसे जिन्ना आया, ये अंदाजे से बनाया या ये भी नक्शे से बनवाया? अंदाजे से। देखो भाइयों, जिन्ना कितना अच्छे तरीके से बना रखा मकान में। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जब इस पर रंग वगैरह हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा मकान। ये देखो भाइयों, इधर इनकी रसोई है और देखो कमरे वगैरह है। ये देखो भाइयों, इधर से मैं दिखा दूँगा आपको, और इधर बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। ये देखो, और ऊपर भी जा रहा जिन्ना, ऊपर भी बना रखा अपने। देखो भाइयों, इधर कमरे हो गए। पहले आपको मकान का पूरा कवरेज करा दो। अच्छा, ये आपके पिताजी जी? क्या नाम है इनका? श्याम सिंह। श्याम सिंह। अच्छा, पिताजी क्या करते थे आपके? खेतीबाड़ी। अच्छा, खेतीबाड़ी। ये आपका है ना? ये छोटा वाला भाई है। इनका भैया का क्या नाम है? पवन। ये देखो भाई, थोड़ा मैं दिखा दूँ, इनका नाम पवन है। ये क्या करते हैं? ये भी खेतीबाड़ी करते हैं? खेतीबाड़ी। अच्छा, वैसे कितने भाई हो? भाइयों तीन भाई हो आप, तीनों खेतीबाड़ी में। थोड़ा सा इधर से चलिए। देखो भाइयों, ऊपर से छत देख लो मकान की, ये देखो कितने अच्छे तरीके से बना रखा है। और ये जिन्ना बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ही अच्छा जिन्ना बनवा रखा है इन्होंने मकान में। और ऑलमोस्ट मैं आ चुका हूँ। अच्छा, ये छत है जी ऊपर है। तो भाइयों, मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ, और ये रास्ता ऊपर छत पे जा रहा है, और भाई मेरी गैल में है। तो ऑलमोस्ट आ चुका हूँ मैं छत पे, और यहाँ से आपको एक बार गांव कवरेज करा दो। ये देखो भाइयों, ये गांव भैरानपुर है जो कि मेरठ ज़िले में पड़ता है, और भैया मेरी गैल में है। और ये इन्हीं का मकान है, और जो कि बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है इन्होंने। देखो ऊपर झंडा लगा रखा है। ये देखो भाइयों, एक बार गांव का व्यू देख लो इधर से, और जी के पर तक। ये अम्मा जी हैं। अम्मा जी, राम राम। और ठीक हो अम्मा? देखो ये छोटू बेटा, क्या नाम है? नाम क्या है बता दे। अम्मा जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश। अच्छा, अम्मा कौन से गांव से हो? यहीं से, वहाँ नहीं नहीं आपका गांव कौन सा है वैसे? शेखपुर है। अच्छा, शेखपुर। अच्छा, कौन सी गोती हो अम्मा आप? हम गोती हैं, हमारा वो है कोसी परिवार। अच्छा अच्छा। ये देखो इनका पुराना है, तो मान जी पुराना मकान होगा कभी है। देखो भाई, इस पर लिख रहा भी है चौधरी, थोड़ा सा मिट गया ये। सन कौन सा हमारा? देखो सन भी लिख रहा, थोड़ा सा मिट गया ये, 1800 आसपास का है। और देखो यहाँ पे माँ जी का चूल्हा है। तो माँ जी, वो इसमें दूध रखा करो। देखो भाई, दूध रखने का आयो, हरा बोल रहा है ऐसे गांव देहात में। और ये चूल्हा है, ये देखो, ये देख सकते हैं आप सभी।
और ये कभी पुराना मकान है इनका। ये देखो भाइयो, इधर बब्बा जी का हुक्का रखा, ये देखो भाइयो, ये बब्बा जी का हुक्का है, और यहाँ पे कमरे बन रहे बहुत ही अच्छा। मारे तुम्हारा फोटो है क्या सामने? ये किनका सामने? अच्छा इनका क्या नाम था? देखो भाई मैं दिखा दूँ, इसमें लाइट है ना जी। ये देखो भाई इनका नाम बिमला है, ये माँ है, ये देखो भाई, और यहाँ पे टंकी वगैरह रखी हुई है। तो आज मैं इनकी आवाज़ पे हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिल के इनसे। और किसान हैं अपना, खेती बाड़ी करते हैं, और चक्की लगा रखी घर में। माँ चून पिस्ता करो आप इससे, अच्छा कभी पहला पिस्ता करो तो आप इससे। ये देखो भाइयों, अच्छा अच्छा ये चारा काटने की मशीन है इधर साइड में इनकी पशुओं के लिए। और आज मुझे बेहद अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनकी बुग्गी वगैरह है। एक माँ उधर बैठी, माँ क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? बिमला शिमला। अच्छा अच्छा माँ जी नाम लिख रहा आपका, टीप है, टीम आओगी टीम है, टीम आओगी टीप है, देखो माँ टीप आओगी टीप है, टीप पिक्चर आओगी पिक्चर। ये देखो भाई, माँ क्या नाम है आपका? शिमला। अच्छा कौन से गांव की माँ? गगोल की। अच्छा अच्छा ये देखो इधर इनका है, ये आपका है माँ है? हाँ। ये देखो भाई इधर इनका बना हुआ है। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा भाइयों। नमस्कार साथियों, राम राम।